के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। विभिन्न मांगों को लेकर जिले के समस्त बार एसोसिएशनों ने किया हड़ताल, नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। पुण्यतिथि पर याद किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कुलपति सहित विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षकों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन के केंद्रीय कार्यालय का प्रदेश उपाध्यक्ष ने फीता काटकर किया उद्घाटन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर हुआ समर्पण कार्यक्रम का आयोजन। जिले में लगातार जारी है कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, दो दिनों में 46 कारोबारी गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा अवैध कच्ची शराब के कारोबारियों पर हो सकती है आजीवन कारावास की कार्रवाई। बुद्ध से कबीर यात्रा विषय पर आयोजित हुई विचार गोष्ठी, संवैधानिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने एवं जनमानस को जागरूक करने का है लक्ष्य। एनजीटी के निर्देश पर जिले में थाई मांगुर प्रजाति मछली के उत्पादन और संवर्धन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, जिलाधिकारी ने दी चेतावनी, कहा स्वयं नष्ट कर दे मांगुर मछली नहीं तो प्रशासन करेगी कार्रवाई, मत्स्य पालकों को भरना पड़ेगा जुर्माना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर एकात्म मानव दर्शन की वैश्विक प्रासंगिकता विषय पर गोष्ठी का किया गया आयोजन, कुलपति सहित अन्य प्रोफेसरों ने उनके जीवन पर डाला प्रकाश। तीसरी नजर में शुरू हुई 7 केंद्रों पर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ की वार्षिक बोर्ड परीक्षा, जिले के 48 मदरसों में 2418 परीक्षार्थी होंगे शामिल। पूर्वोत्तर रेलवे के 3 विद्यालयों में अब होगी कर्मचारियों की डिजिटल उपस्थिति, विद्यालयों में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कार सिस्टम का प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी LB राय ने किया उद्घाटन। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने की उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि, उनके बताए रास्तों पर चलने का लिया संकल्प। और RPF ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित हुआ सेमिनार, रेलवे के संपर्क में आने वाले बच्चों को सुरक्षा और देखभाल पर वक्ताओं ने रखे अपने विचार।